क्या दाऊद को जहर देकर जान से मारने की कोशिश हुई है? कराची में जिसका घर नहीं बल्कि एक अभेद किला है, उस किले के भीतर दाऊद का कोई दुश्मन आखिर कैसे पहुंचा, जिसके पास पाकिस्तान के मंत्रियों से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा का पहरा होता है, उसके हलक तक जहर का घूंट भला कैसे पहुंचा? दाऊद इब्राहिम जिसकी सुरक्षा का जिम्मा किसी और के पास नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई के जिम्मे है, उस सुरक्षा कवच को भेद कर दाऊद तक मौत का पैगाम कैसे पहुंचा? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि 67 साल का दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या फिर मर चुका है, क्योंकि पहले पाकिस्तान से ही खबर आई कि दाऊद को जहर दे दिया गया और फिर वहीं से इसकी चर्चा शुरू हुई कि दाऊद की मौत हो गई है। भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है दाऊद इब्राहिम का नाम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। पाकिस्तान दाऊद की मौजूदगी की खबर को नकारता रहा, लेकिन दाऊद को जहर देने की खबर ने उसके झूठ की एक बार फिर से पोल खोल दी है।